गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है हमारे पास? कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। सो हम जब उन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अगर हम किसी दो नंबर को, पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी प्लस में आता है। अगर हम दो माइनस नंबर करते हैं तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है। मीन्स अगर हमारे पास सेम साइन है, या तो प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर डिफरेंट साइन है, जैसे एक प्लस है, एक हमारे पास क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर एक हमारे पास माइनस है, एक प्लस है, तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट, क्लियर? हमने सेम साइन में ऐड करना है, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करना है। हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फर्स्टली हमारे पास सपोज नंबर है 4 प्लस में प्लस 5, क्या होगा हमारे पास आंसर? हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो हम इनको ऐड करेंगे, 4 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9, राइट? बट हमने जो हमारे पास साइन होगा आंसर का, वो कौन सा नोटेट करना है? वो हम वो नोट करेंगे जो लार्जेस्ट नंबर होगा। हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या है? 5। तो इसका साइन क्या है? लार्जेस्ट नंबर 5 है ना, तो हम इसका साइन नोट करेंगे जो हमारे आंसर होगा उसमें, सेम 9 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल माइनस माइनस की। सपोज -4 -2, तो हमने इनको क्या करना है? ऐड करना है, राइट? तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। लेकिन साइन किसका शो करेंगे हम? जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर का क्या साइन है? माइनस, राइट? तो हम यहाँ पर -6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? जब हमारे पास डिफरेंट साइन होंगी। सपोज एक नंबर है हमारे पास +4, नेक्स्ट नंबर है -2, तो हम इसका आंसर क्या मेंशन करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे ना हम 4 में से 2, लेकिन साइन कौन सा नोट करेंगे हम? जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर क्या है? 4। तो हम इसका साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर प्लस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +2। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई टर्म नेगेटिव में है, सपोज -5, और नेक्स्ट पॉजिटिव में है हमारे पास, तो हम इसे ले लें 3, तो हम इसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आंसर होगा हमारा? 2। लेकिन साइन किसका यूज़ करेंगे? जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है उसका साइन यूज़ करेंगे। क्या है हमारे पास? नेगेटिव ना, तो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे -2, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन से कैसे शो करेंगे? हमारे पास, हमें पता है कि राइट साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। और लेफ्ट साइड क्या होते हैं हमारे पास? नेगेटिव नंबर, राइट? ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है, क्लियर? सो अब हमें अगर कोई नंबर ऐड करना है, पॉजिटिव नंबर में ऐड करना है, तो हम किस तरफ मूव करेंगे? हमारे राइट साइड मूव करेंगे। मीन्स हमने पॉजिटिव नंबर में कोई ऐड करना है तो हम किस तरफ मूव करेंगे? राइट साइड, क्लियर? नेक्स्ट अगर हमें नेगेटिव नंबर में कुछ टर्म ऐड करनी है तो हम किस तरफ मूव करेंगे? लेफ्ट साइड। सिमिलरली अगर हमें, ये तो हमारी ऐड की होगी, अगर सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें पॉजिटिव नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड मूव करेंगे। और अगर हमें नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम किस साइड मूव करेंगे?
राइट साइड मूव करेंगे। मूव कैसे करेंगे, ज़ीरो से सपोज हमने मूव करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे सिमिलरली सोन हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव कर रहे हैं। लेफ्ट साइड कैसे मूव करते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये हमारी लेफ्ट साइड मूवमेंट हो जाएगी। वन बाय वन जितना हमें कहा है उतना ही मूव करेंगे हम। ये सब हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। यूजिंग द नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन को यूज़ करना है। राइट द इंटीजर विच इज़, हमने इंटीजर राइट करना है जो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 more than -1, जो 4 more than हो -1 के, तो हम फर्स्टली किसे मार्क करेंगे, -1 को। हमारे पास -1 यहाँ पर है ना, हमने इसे मार्क कर लिया है। इससे 4 more than, मोर देन मीन्स हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। मोर मीन्स ऐड करना, ऐड के लिए हम किस साइड मूव करेंगे, हमारे राइट साइड मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, 4 times, कैसे, 1 2 3 4, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। सो हमारे पास नंबर कौन सा इंटीजर आ गया है, हमारे पास 3, तो हम आंसर क्या कर देंगे, इंटीजर 3। नेक्स्ट हमारे पास है 5 less than 3, इसमें मोर की बात की थी, इसमें लेस की बात किया। लेस के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से हमने 5 times लेस करना है, तो हम फर्स्टली किसे मार्क करते हैं, 3 को। 3 कहाँ पर है हमारे नंबर लाइन पर, यहाँ पर। इसमें लेस करना है तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, लेफ्ट साइड कौन सी है हमारी, ये वाली। तो हम इस तरफ कैसे मूव करेंगे, 1 5 times करना है ना, 2 3 4 5, डन। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2 हमारा इंटीजर आ जाएगा, जो हमें 3 में से 5 times लेस करने पर ऑब्टेन हुआ है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यूजिंग नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन का यूज़ करना है। राइट द इंटीजर विच इज़, हमने इंटीजर राइट करना है जो 3 more than 5 हो, 3 more than 5, 5 से 3 more than हो, तो हमें किसे मार्क करना है, 5 को ना, फर्स्टली 5 के लिए पूछ रहे हैं तो हम 5 को मार्क करेंगे। उससे 3 more than, मोर के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम 3 steps मूव करेंगे किस साइड, राइट साइड, राइट, 1 2 3, तो हमारा इंटीजर क्या आ जाएगा, 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 more than 5 का, 5 के 3 more times करा है हमने, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है 5 more than -5, -5 से 5 times more than क्या इंटीजर होगा हमारा, वो बताना है हमने। हम फर्स्टली किसे मार्क करेंगे, -5 को। हमारे पास -5 कहाँ पर है, ये रहा। इससे मोर देन के लिए हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड। मोर देन मीन्स ऐड करना होता है ना, तो हम कैसे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कौन सा इंटीजर आ गया है, 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजिंग नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। हमने नंबर लाइन का यूज़ करके ऐड करना है, हमारे पास 2 या 3 इंटीजर दिए होंगे गिवन स्टेटमेंट में, हमें उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। कैसे करेंगे हम ऐड, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंटीजर से। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है, 9, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर मूव करेंगे, 9 पर फर्स्टली। तो हम 0 से डायरेक्टली 9 पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, 9 पर। तो हमारा ऐड हो गया 9, तो हम 9 पर हैं। अब हमने क्या करना है, -6 पे मूव करना है। -6 कैसे होगा, 6 times हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। माइनस के लिए किस तरफ, सब्ट्रैक्ट के लिए हम किस तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट साइड। तो हम 6 times कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 9 times था, और हम 6 times लेफ्ट साइड जाएंगे, मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आंसर हो जाएगा ना, हम इसे मैच कर देंगे यहाँ से, माइनस सिक्स, तो हमारा इंटीजर कौन सा आ गया, थ्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थ्री। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्टली हमने क्या करना है, माइनस वन, ऐसे हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, और जो भी फर्स्ट नंबर दिया हुआ है पहले हमने वहाँ पर जाना है, फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारे नंबर को। फर्स्टली हमने माइनस वन पर मूव करना है ना, तो हम ज़ीरो से माइनस वन पर मूव करेंगे, ये कहाँ से मूव करें, हम माइनस वन से, राइट। उसके बाद उन्होंने फिर माइनस टू कहा है, मीन्स डिक्रीज हो गया उसमें टू नंबर, सब्ट्रैक्ट किया है ना, माइनस टू का मीन्स लेफ्ट साइड मूव करना, तो हम इसमें टू टर्म्स माइनस कर देंगे, वन टू, यहाँ से माइनस करनी है, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ना वहीं से आगे जाना है हमने, ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना, फिर से हम वहीं से करेंगे, टू टर्म्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, माइनस थ्री, ये हमने टू टर्म्स माइनस सब्ट्रैक्ट की हैं तब। नेक्स्ट इन्होंने फिर नेक्स्ट इंटीजर दिया हुआ है, माइनस थ्री करेंगे हम, तो थ्री टाइम्स करेंगे, वन टू थ्री, तो हम आ जाएंगे माइनस सिक्स पर, ये ऐसा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट इसके बाद कोई टर्म नहीं है ना, तो हम लास्ट में कहाँ पर पहुँचे, माइनस सिक्स पर, तो हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, इन सबको ऐड करने के बाद, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का डी पार्ट, ये क्या कहता है, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, हमने ऐड करना है विदाउट यूजिंग नंबर लाइन के, हमने नंबर लाइन का यूज़ नहीं करना इस बार, हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे वो कैसे किए थे अभी तक, नंबर लाइन का यूज़ करके किए थे, अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, और हमने क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो हम कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस टू फिफ्टी, और नेक्स्ट क्या है, प्लस प्लस 150, हम इसे कैसे राइट करेंगे, प्लस प्लस हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हम इस साइन को क्या करेंगे, 150 राइट करेंगे, राइट। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस में से माइनस सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 में से 150, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100। लेकिन 100 का साइन क्या होगा, क्वेश्चन ये अराइज होता है अब यहाँ पर, कौन सा साइन होगा, जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है उसका साइन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, किसका, लार्जेस्ट नंबर का, लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 250, तो हम उसका साइन क्या है हमारे पास, माइनस, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे माइनस 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ का सी पार्ट, फाइंड द सम मूव, हमने इनका सम फाइंड करना है। फर्स्टली तो हमारे पास अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन गिवन नहीं है, जैसे 39, 192 के आगे कोई साइन नहीं है ना, इसके आगे तो हमारे पास माइनस साइन दिया हुआ है, तो हम अगर किसी के भी आगे हमें कोई साइन नहीं दिया होता तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, सी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ पर -1, -2 एंड सो ऑन, सो हमने माइनस वाले साइन को नोट किया है, लेकिन हमने क्या यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाया है राइट साइड में, नहीं लगाया ना, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर जनरली कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव होंगी, इसीलिए हमें यहाँ पर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नीड नहीं होती। सो नेक्स्ट चलो हम सोल्व करते हैं इसे, कैसे सोल्व करेंगे, हम इसे राइट करेंगे माइनस 320 प्लस 39 प्लस 120, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्टली हमारे पास जो प्लस प्लस के हैं टर्म्स उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्यों ऐड करेंगे, सेम साइन ऐड होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और बाकी टर्म को हम एज इट इज़ राइट कर देंगे, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, हमारे पास क्या आएगा, हम इसे ऐड करते हैं 39, 9 2 11, 10 और 3 32, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया,
231. साइन किसका होगा? लार्जेस्ट नंबर का. लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव. तो हम यूज़ क्या करेंगे साइन का? पॉजिटिव. तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 231, राइट. नेक्स्ट हमारे पास है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट बताओ? हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन हैं. डिफरेंट साइन के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 312 से 231 को. 11 में से 3, 7 और 1, 8. नेक्स्ट यहाँ पर 0. तो हमारे पास आंसर आ गया 81. लेकिन साइन कौन सा यूज़ होगा यहाँ पर हमारे पास? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास? 312 है ना. तो हम साइन किसका यूज़ करेंगे? लार्जेस्ट नंबर का यूज़ करेंगे. तो हमारे पास आंसर कौन सा इंटीजर आ गया? -81 हमारा आंसर हो गया इस टर्म का. क्लियर? सो होमवर्क, डू एक्सरसाइज 6.2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑन पेज नंबर 128. थैंक यू.